कहना चाहता हूँ, विपक्ष आज तक कहाँ सो रहा था जो माफियाओं को पनाह दे रहा था? कहाँ सो रहे थे केजरीवाल जी? कहाँ थे केजरीवाल जी? ये माफियाओं को पनाह दे रहे, हम ऐसे ही मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। देश अच्छी दिशा में जा रहा है, युवाओं को भटकने देना, रोजगार देना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, क्राइम को खत्म करना है। आज यूपी के अंदर बड़े बड़े हाईवे, आज हर स्टेट कह रहा है बाबा जी का बुलडोजर आए, बाबा जी जैसे मुख्यमंत्री आए, आज देश खुशहाल है, चर्चा है इस देश की। तो मैं ये चाहता हूँ बाबा जी जैसे मुख्यमंत्री दोबारा फिर जनता चुने और फिर सीट पे बिठाए, हम मिट्टी में मिला दे जाएंगे सारे कर्म। मुझे कुछ नहीं कहना, इन्होंने जो कहना था वो कह दिया, अच्छे से बोल दिया। नहीं नहीं देखो, परेशानी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, और कहीं खिसक के नहीं जा रहे, सब आप ही की तरफ है, वोट आप ही के, आपके पास इंटैक्ट है। प्रतीक जी है? ये आप कैसे तय करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। मेरा गलत बात हो? ना, गलत बात हो मेरा। देखिए मिट्टी में कौन मिला? मिट्टी में मिल गया ये लोकतंत्र, मिट्टी में मिल गई सरकार की हैसियत, जिसमें कोई भी गली के गुंडे आकर के, उन्होंने आकर के एक अपराधी को ही चाहे मारा हो, लेकिन अपराधी ने मार दिया। बीजेपी देखिए प्रतीक जी, पिछले कुछ समय से हम एक काल्पनिक विपक्ष की एकता की बात सुन रहे हैं। अभी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, मिट्टी में मिल गया लोकतंत्र, और जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि बाबा जी का बुलडोजर पूरे देश में डिमांड है उसकी। आप जनता से इतने डिस्कनेक्टेड हैं, इस वजह से आप सत्ता से बाहर हैं। दूसरा, आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं, नीतीश जी कौन है सबसे पहले ये समझिए। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश जी की, तीसरे नंबर की पार्टी, और सपने मुंगेरी लाल के देख रहे हैं कि देश की सत्ता बदल देंगे, एक एक राज्य में, एक प्रदेश में अपनी क्षमता से सरकार बनाने की औकात नहीं है, और कहते हैं कि देश की सत्ता बदल देंगे। आज हम चुनावी वर्ष में आ चुके हैं, मैं कहता हूं 10 साल यूपीए के देखे और 9 वर्ष हमने एनडीए के देखे हैं, आप तुलनात्मक विश्लेषण करिए ना, कैसे एक ऐसी सरकार 10 वर्षों तक थी जो ना कोई निर्णय ले पाती थी, पॉलिसी का पैरालिसिस हुआ करता था। आज पूरा विश्व मोदी जी की सरकार को देखता है कि आज निर्णय लेने वाली सरकार है, स्पष्टता रखने वाली सरकार है, आज भारत को विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखने वाली सरकार है। यूएस से लेकर यूरोप तक और इस देश की 142 करोड़ जनता ये जानती है, पहचानती है और हर मंचों से कहती है। यूएस ने भी अभी क्या कहा, यूएस सेक्रेटरी जो इंडिया में आए, उन्होंने कहा कि मोदी जी में वो क्षमता है जो भारत को विश्वगुरु बनाते हैं, वो ये भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। दूसरी बात, इनके समय में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवी खस्ता हालत वाली अर्थव्यवस्थाओं में होती थी 2012 पढ़िए जाके, लेकिन आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आया, बड़ा गजब का झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में तो माहिर है, पूरा प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं और इनके नेता प्रवक्ता भी बिना तथ्य के झूठ सरेआम बोलते हैं। क्या झूठ बोला? अर्थव्यवस्था 2011 में, अमेरिका की सेक्रेटरी ने बोला, नहीं बोला, सुनिए ना, 2011 में पढ़े लिखे होते तो यह बात इनको याद आती, भारत विश्व में चौथी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सबने देखा है। 2011 के बाद लगातार देश में जो विकास का गति था, 14 में क्या था, पेट्रोल डीजल कितने पर था जरा पूछिए, आज कितने पर पूछिए, महंगाई क्या थी उस समय पूछिए, बेरोजगारी का दर उस समय क्या था, आज क्या है। अब बात विपक्षी एकता, पेट में दर्द हो रहा है, बोले विपक्षी एकता, पेट में दर्द हो रहा है। डर होना तनाशाह का जायज है, तनाशाह तब डरता है जब विपक्ष एक होता है, क्योंकि उसको पता है ये जो भ्रम का और झूठ का जो माहौल पैदा करके देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत की रोटियां से दी जा रही है, विपक्ष जब जन विरोधी इस सरकार की नीतियों को उजागर करेगा, एक साथ होगा, ये तिलिस्म जो है ना ये टूट जाएगा। जी एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं शब्द, तानाशाह, वो शब्द ठीक नहीं है, वो किसी भी तरह से शब्द ठीक नहीं है। लेकिन लिख लो जो मैंने कहा, आपके पास आऊंगा, आपको दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। ओवैसी साहब कहते हैं AIMIM से, आगे आगे देखिए होता है क्या, नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी से सीएम बने, सदन में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे,
और नीतीश जी ने क्या किया। बीजेपी से लड़ना है तो चेहरे की बुनियाद पर मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा हो, वैसी करें। बीजेपी की सोच और आपकी सोच में अंतर दिखना चाहिए जी। वन बाय वन एक बार एक। हाँ जी, बड़ी हंसी आती है जब वो ऐसी ऐसी बात करते हैं, ए टीम और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाए थे आप बिहार में, झूठ ना बोलिएगा। दूसरी बात विनीत भाई, बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, इन्होंने सुशील मोदी जी का करियर कुर्बान कर दिया और उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने सरकार बना के बैठे। सुशील मोदी जी का करियर क्यों खराब हो गया? क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था, जाहिर सी बात है, इन्होंने बोला तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने सपोर्ट किया और वो मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी नहीं बन पाए। नीतीश कुमार के साथ ही सरकार चला रहे थे, नहीं चला रहे थे क्या? ये पीडीपी के साथ सरकार नहीं चला रहे थे क्या? पीडीपी के साथ सरकार चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? दूसरी बात इन्होंने बोली कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में कुछ नहीं हुआ। अरे खाद्य सुरक्षा बिल कब आया? राइट टू एजुकेशन कब आया बताइए? न्यूक्लियर डील किसके जमाने में हुई? उसके बाद बताइए कि पेट्रोल के जो दाम हैं 2014 में ये क्या छोड़ के गए थे? और आज देश की जनता महंगाई बिल्कुल कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी। देखिए मेरे भाई की हालत देखिए, एकता के लिए क्या जरूरी होता है? या तो जो एकता करने आ रहे हैं उनकी विचारधारा मिले, या कोई एक नेता हो जिसको वो एक्सेप्ट करें। आधार क्या है एकता का बताइए, किस आधार पे एकता होगी? अच्छा, आज कांग्रेस पार्टी पर किस आधार पे? सुनिए कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। कांग्रेस पार्टी आज एक भारत में फ्रिंज पार्टी के रूप में रह गई है, जिसके पावर में आने की कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। केवल और केवल जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके दम पे वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। विचारधारा नहीं थी। और एक इन्होंने तथ्यात्मक झूठ बोला था। आप तो ऐसा भाषण दिए जा रहे हैं त्यागी जी, मतलब मैं आपको पलट के सवाल पूछूं कि सावरकर पे आपको क्या हो गया? सावरकर पे आपको क्या हो गया? लंबी जबान निकलती है सत्ता के लिए।